इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फाइंडिंग आउट द मिसिंग पीरियड. उसको अपना एक्सप्लेनेशन समझेंगे, सम नहीं करेंगे, पहले वो समझ लेंगे उसके बाद उसके सम्स करेंगे. सो लेट मी फर्स्ट शेयर माय वर्किंग पैड. और मिसिंग पीरियड फाइंड करने के लिए हमने यहां तक की ये बात समझी हुई थी अभी तक कि कैपिटल इज कैपिटल अफेक्ट बाय फोर थिंग्स, व्हेन ओनर ब्रिंग्स, व्हेन ओनर विथड्रॉस, एड इनकम, लेस एक्सपेंस, एड लेस. ये सब कुछ समझा हुआ था. अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझते हैं. यही बात है, बट थोड़ी अलग तरह समझेंगे ताकि आगे जो सम करेंगे उसमें हमारे लिए इजी हो जाए. इट स्टार्ट्स विद, सबसे पहले आएगा कैपिटल, जो उसको कहूंगा OPENING, ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल मतलब जिससे बिजनेस की शुरुआत हुई. व्हेन ओनर ब्रिंग्स, सो ओनर ब्रिंग्स होता है उसको करेंगे एड ही, बट टेक्निकली उसको कहा जाता है एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय ओनर. सिर्फ मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, वही बात है, कॉन्सेप्ट नया नहीं सिखा रहा हूं, बट वर्ड चेंज करने से अपना एप्लीकेशन पूरा चेंज हो जाएगा. देन ओनर विड्रॉज, जो विड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं, लेस ड्रॉइंग्स, DRAWINGS. ओनर जो विड्रॉ करता है उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं. डन. देन इनकम एंड एक्सपेंस. अब इनकम एक्सपेंस तो अलग अलग नहीं होता है, जो एक्चुअल जब आगे जाके बैलेंस शीट वो सब सीखेंगे तब इनकम और एक्सपेंस ऐसे नहीं. इनकम एक्सपेंस के लिए अलग से अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और उसमें से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वही यहाँ पे प्लस माइनस होगा. सो ये इनकम और एक्सपेंस जो प्लस किया, सो इवेंचुअली इनकम एक्सपेंस प्लस के या तो मुझे होगा प्रॉफिट या होगा लॉस. इनकम से अगर एक्सपेंस ज्यादा है लॉस, इनकम से एक्सपेंस कम है प्रॉफिट. तो इनकम एक्सपेंस की जगह यहां पे मैं लिखता हूं एड और लेस, कंबाइन कर देता हूं एड लेस को. क्यों एड लेस कंबाइन, मुझे पता नहीं क्वेश्चन में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस. इन सब चीजों प्लस माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल. फाइन, ये फंडा अपने को अब दिमाग में रखना है. ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, लेस ड्रॉइंग्स, एड प्रॉफिट, लेस लॉस, वी गेट अ क्लोजिंग कैपिटल. मतलब इतने से बिजनेस शुरू किया, इतना एडिशनल कैपिटल साल के बीच में लाया, इतने पैसे घर खर्च के लिए विड्रॉ कर गया, इतना प्रॉफिट हुआ. सो साल के स्टार्टिंग में जिससे शुरू किया था, साल के अंत में वो यहां तक वो कैपिटल पे पहुंच गया. और इसके अंदर से अपने मिसिंग फिगर मिल सकती है. से फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया, अपने प्रॉफिट ढूंढने को बोला है. बट इसका एप्लीकेशन हम सम के अंदर करेंगे. बट बेसिकली ये फंडा आपके लिए क्लियर होना चाहिए. इसको थोड़ा उल्टा भी समझ लेते हैं. ये तो क्या सीधा, सपोज किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल मैंने कॉपी कर लिया. नाउ आई एम गोइंग रिवर्स. जब रिवर्स जाऊंगा तो रूल है व्हेन साइड्स आर चेंज साइंस आर चेंज. तो यहां एक बार मैं जो एड प्रॉफिट था वो क्या हो जाएगा, लेस प्रॉफिट. बट यूजुअली क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढना ही आएगा. सो जो ड्रॉइंग्स लेस था वो क्या हो जाएगा, एड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल. सो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट प्रॉफिट और लॉस. अगेन समझना, मैंने नया कुछ भी नहीं किया है. ये सेम फॉर्मेट को ही मैंने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है. सो फॉर कैलकुलेशन इवन आप डायरेक्ट इसको यूज करके भी कर सकते हो, बट कई बार एग्जाम में दिखाने के लिए हमको सीधा करना पड़ता है. तो व्हाट आई डन, आई रिवर्स क्लोजिंग. ये जो क्लोजिंग है उसके अंदर ड्रॉइंग्स लेस था तो क्या कर दिया, एड. एडिशनल कैपिटल एड था तो क्या कर दिया, लेस. ओपनिंग कैपिटल एड था तो क्या कर दिया, लेस. और अभी अंश मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट. डिपेंडिंग अपॉन सम, आइदर विल डायरेक्ट रिवर्स स्ट्रीम वे और विल यूज द रिवर्स वे. फाइन, ओके. सो दिस वॉज एक्सप्लेनेशन ऑन फाइंडिंग आउट मिसिंग सम्स. नेक्स्ट वीडियो से अपने देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट एक्चुअली मिसिंग फिगर्स.